नौजवान साथियों, और आवाज सुन रही मातर शक्तियां, सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के राम राम। भाई अपने जीवन में सुना सुना था, पहली बार इतना क्रांतिकारी गांव देख रहे हूं। एक बार जोरदार तालियां। कई बार ऐसा लगता है हम लगना भूल गए हैं, लेकिन जब इस गांव की पवन धरा को देखते हैं, हमें यह महसूस होता है लड़ाकी अभी जीवित है, जिंदा है। एक अपने हरियाणा के अंदर बादली के पास छोटा सा गांव था, जिसका नाम था बाकरगढ़ गांव। जब पूरा हिंदुस्तान गुलाम था, एकलौता ऐसा गांव था जो गुलाम नहीं था। उसके अंदर सिर्फ 16 छतरी मानस थे, जो अपने गांव की पुड़िया पर बैठा करते, और गांव के अंदर अपनी माताओं की, अपनी गौ माताओं की रक्षा करने का काम करते थे। एक दिन अंग्रेजों ने 2500 आदमियों की फौज भेज दी कि एक 3000 आदमियों का छोटा सा गांव, और वो आज भी हमारे से गुलाम नहीं हुआ, उसको गुलाम करके दिखाओ। जब वो फौज आती है, वे 16 के 16 लड़ाके उस फौज पर टूट पड़ते हैं। 16 आदमी ना 2500 आदमी भीतर नहीं बढ़ने दिए। जिसके अंदर 400 अंग्रेज घायल हो गए। दोबारा से युद्ध रणनीति बनाते हैं अंग्रेज। युद्ध रणनीति बनाने के बाद 10000 आदमियों की फौज भेज दी, सारा गांव तैनात हो गया अपने गांव के चौगड़िया थे। जो अंग्रेज इस गांव में पड़ के, हम छतरी के बीज नहीं आ। जब वहां पर भयंकर युद्ध होता है, उनके अंदर से एक 17 साल का जवान छोड़ा, जिसका नाम था जेता, एकला मानस 400 मानसा ने खा गया, 400 अंग्रेजा ने। उन 2500 आदमियों ने उन 10000 आदमियों को वापिस भगा दिया और गुलामी मंजूर नहीं करी। अंग्रेजों की जो रानी थी उसको कैद कर लिया, और उसको कैद करके बड़े हिंदुस्तान के अंदर यह दिखा दिया, ये हमारे को मजदूर बनाते हैं ना, अमीर को मजदूर बना सकते हैं। 3 दिन तक उस अंग्रेज को रेत में जोड़कर पानी खिंचवाया। जब यह चीज अंग्रेजी हुकूमत ने देखी, अंग्रेज कांप गए। आज भी हरियाणा के अंदर इतने दलेर, इतने छतरी मानस बस हैं। राजीनामे का पैगाम भेजा। गुलाम हर जगह होते हैं, गद्दार हर जगह होते हैं। उसके पास के गांव ने मुखबरी करके राजीनामे का पैगाम भेज कर पूरा गांव बुला लिया, और वही अंग्रेजा की सेना वहां मौके पाकर पूरा गांव फांसी चढ़ा दिया, पूरा गांव फांसी तोड़ दिया। पूरा गांव फांसी तोड़ने के बाद उस गांव की समाप्ति होगी छतरी गांव की। यही हालत आज मेरे हरियाणा के हाल फिलहाल है। एकलौता छतरी गांव लड़ रहा है, इसके ऊपर यह आचारी है, तो बाकी बैठ के बात देखा है। इनकी नैर कद टूटा, इनकी नैर पारा सरकार कद्दर है। मैं आज भी कहता हूं, अरे जीवित हो लो, जिंदा हो लो, ये के मजालिम खट्टर पटरा की, ये हमारे साथ ऐसी क्रूरता करते। सबसे बड़ी बात, ये जमीन किसकी है? हमारी है। और इसके अंदर ये जो शाम धाम या बना हुआ खड़ा, ये किसका है? जब जमीन हमारी है तो यो भी हमारी है। अपनी तरफ से एक छोटा सा संदेश देता हूं, इस समय कब्जा लो भाई, की तजार की जरूरत नहीं है, लोहे दोरे में 10-5 गांव और बुलाकर, और चारों तरफ से इसमें कब्जा लो, जब ती जो नीचा लगा, जब ती हमारा फैसला नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं तुरंत फैसला होगा। बाकी जो कमेटी का फैसला हुआ, हमारे लिए सर्वमान्य होगा। इनके विचार सुने, और इनके विचार सुन के जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी आप लोगों के बीच में, निभाने का काम करेंगे।
सभी साथियों ने इतने प्यार से बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद भाई। आपका भी एक बार हमारे